हमारे सूरत पूर्व विधानसभा क्षेत्र से, सूरत ईस्ट असेंबली कंस्टिट्यूएंसी से आम आदमी पार्टी के ऑफिशियल प्रत्याशी कंचन जारीवाला। कंचन जारीवाला जी को कल सुबह से बीजेपी ने किडनैप कर लिया। सुबह से वो भारतीय जनता पार्टी के गुंडों की कस्टडी में है। ये किडनैपिंग है, अपहरण है। कल सुबह से उन्हें और उनके परिवार पे लोकल बीजेपी के गुंडों ने दबाव बनाया कि आप अपना नामांकन रद्द कराएं। कल स्क्रूटनी का आखिरी 20 ना हो, गड़बड़ी ना हो, ये स्क्रूटनी वाले दिन इलेक्शन कमीशन देखता है, रिटर्निंग ऑफिसर साहब खुद चेक करते हैं। तो पहले हमारे कैंडिडेट पे दबाव बनाया गया, कंचन जारीवाला जी पे, कि वो रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर जाएं और अपना नामांकन रद्द कराएं। कंचन जारीवाला साहब और उनके परिवार ने जब भारतीय जनता पार्टी के गुंडों की बात नहीं मानी तो भारतीय जनता पार्टी के बदमाश गुंडे उन्हें अपनी कस्टडी में लेकर खुद आरओ यानी कि रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर गए। वहां दफ्तर पे दबाव बनाया आरओ पे कि उनका नामांकन वापस लिया जाए। यहां तक कि कंचन जारीवाला साहब और उनके जितने प्रस्तावक थे उन पर दबाव बनाया गया कि आप बोलो कि हमने दस्तावेज नहीं दिए, हमने फॉर्म पे हस्ताक्षर नहीं करा, हम ये नामांकन रद्द कराना चाहते हैं। हर प्रकार का दबाव बनाया। जब कानूनी कार्रवाई सुचारू रूप से पूरी हो गई थी, जब कागज यानी कि नॉमिनेशन के पेपर्स और कैंडिडेसी रिजेक्ट करने का कोई ग्राउंड नहीं था और स्क्रूटनी में सारे कागज पास हो गए, तो भाजपा के गुंडे हमारे सूरत ईस्ट के प्रत्याशी कंचन जारीवाला जी को वहां से अपनी कस्टडी में ही किसी अनडिस्क्लोज लोकेशन पर ले गए। दोपहर 1 बजे से कंचन जारीवाला साहब का फोन बंद है, उनकी लोकेशन किसी को नहीं पता, और बीजेपी के गुंडों ने हमारे कैंडिडेट को किडनैप कर लिया।